Like, I remember, you know why I'm talking about all this? Because a lot of people think that a lot of things are done out of stupidity or aise karne. No, no, no. पूरी चीजें प्लान भी होती हैं जैसे एक डांस कंपटीशन हुआ था बच्चों का तो उसमें बहुत क्रिटिसाइज हुआ और फिर बाद में आपको भी लगा कि यार हाँ वाकई वो नहीं कराना चाहिए था अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं देखें उस पे जो क्रिटिसिज्म हुआ वहां मेरा इतना ज्यादा अमल दखल था भी नहीं आई वाज मेयरली होस्टिंग दैट वहां पर पेरेंट्स भी आए थे सब आए थे एंड वो एक डॉक्टर्ड वीडियो थी डॉक्टर्ड लिटरली डॉक्टर्ड वीडियो थी जिसको पूरे लोगों ने देखा फिर उसके बाद उसने अच्छा दूसरी बात जो मेरे खिलाफ था वो ये था कि ये हमारी कौन सी मेंटालिटी है कि अगर हम छोटे बच्चों को डांस करते हुए देख के कुछ गलत सोचेंगे तो फिर हम गलत हैं ना वी आर बेसिकली डूइंग रॉन्ग और बाकी चैनल्स ने जो कुछ किया है आपने उस पर कभी नहीं लिखा ऐसे ऐसे मैं आपको वीडियो क्लिप्स दे सकता हूँ हमारे लीडिंग चैनल्स के लीडिंग शोज के जिन्होंने वो डांस कॉम्पिटिशन किए हैं कि आप मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं किया था यार बट समहाउ एवरीबडी वेंट आफ्टर अस और आफ्टर मी वट एवर द रीजन वॉज आप उठा के देख लीजिए जो डांस कंपटीशन बाहर हुए लोगों के पास हुए लोगों ने शादियों में जैसे डांसेस किए वो मेरा तो अगर जरा सा कुछ नजर भी आ रहा होता कहीं किसी जगह ऐसा लगता है तो मैं उनको मना करवा देता हूँ आई हैव नेवर डिसरिस्पेक्टेड एनीवन आई हैव ऑलवेज थॉट कि आप जब देखते हैं तो ये फैमिली के साथ देखते हैं बट देन आई डिसाइडेड नॉट टू डू इट एट ऑल मतलब ख़त्म बिल्कुल नहीं करूँगा मैं उसका रीज़न ये नहीं है कि मतलब मैं रेटिंग्स नहीं चाहता या रेटिंग्स नहीं मिलती बट उस कॉस्ट पर रेटिंग नहीं चाहिए वो कॉस्ट बहुत बड़ी है और किसी के लिए भी बहुत बड़ी है अगर सर्टन लोग हैं और वो उनको बोलते हैं कि यार ये हमको ये नहीं पसंद है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट और वो फिर आपको नहीं करना है तो मेरे ख्याल में आई रोल्ड बैक एंड आई सेड कि नहीं बहुत सारी ऑफर्स उसके बाद हैं हालांकि सब ने देख चुके थे बहुत बड़े बड़े पैसों के ऑफर्स हैं कि आप ये दोबारा कॉम्पिटिशन करें ऐसा करें एंड आई फ्लैटली रिफ्यूज आई सेड नो वो नॉट गोना डू इट इट्स एज सिंपल एज दैट यानी उसी चीज को मैनिपुलेट उस चीज को और वो करने के लिए ऑफर्स हैं कि मजीद करो इसको यू वुड नॉट बिलीव हाउ मच मनी वाज देयर हाउ मच मनी वाज ऑफर्ड टू मी यू वुड नॉट बिलीव यू कैन मेक यू नो बट नो बिकॉज़ देखिए मुझे ऐसे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी और आप जब टेलीविजन पे आते हैं कोई बात कर रहे होते हैं तो लोग उसका असर भी लेते हैं तो मैं ये नहीं कहता हमने जो काम किए सारे सही गए गलत भी हूँ पर मेरा जो दुख है वो कुछ और है मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो बहुत सारे बहुत अच्छे काम किए हैं वो डिड दैट गो नो वन टॉक्स अबाउट इट नो वन सेज एनीथिंग आई एम नॉट लुकिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट बिकॉज आप अपने यहाँ से करते हैं बट यू नो प्लीज बी अ बिट फॉरगिविंग थोड़ा हो जाए फॉरगिविंग हो जाए पीपल आर नॉट जो आपको पेयर स्क्रीन पर नजर आ रहा है ऐसे नहीं होते लोग बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें